इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 10,700 एएनएम की नियमित बहाली होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एएनएम की नियमित बहाली होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, 2 अगस्त से ऑनलाइन होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, बिहार में 10,709 एएनएम की नियमित बहाली की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एएनएम की नियमित बहाली की जाएगी, डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, 2 अगस्त से ऑनलाइन होगा। जैसा कि हम आप जानते हैं कि एसटीजी न्यूज का खबर हमेशा हुआ है, हम आपको कैसे कह रहे हैं, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप पोस्ट देखिए, ये पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 19 यानी होल्डिंग रोड पटना से, और सबसे बड़ी खबर निकल के यहां से आ रही है एएनएम की, आप देख सकते हैं 10,700 पदों के लिए नियमित हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया की जाएगी। जैसा कि इसका टाइम आपको दिखा रहा है कि 2/8 से आपको 1/9/2022 तक निर्धारित की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है वैसे लोगों के लिए जो एएनएम की इंतजार कर रही थी, ये सबसे बड़ी खबर उनके लिए निकल के आ रही है, उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जैसा कि एसटीजी न्यूज चैनल हमेशा से आपको चाहे जीएनएम की हो चाहे एएनएम की खबर पर लगातार एक्टिव रहता है। एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में, अगर उनकी मतलब 1 साल उन्होंने काम किया है तो उनको एडिशनल 5 मार्क्स मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने कि अगर उन्होंने 5 साल काम किया है तो उनको 25 मार्क्स मिलना तय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि काफी लोग दलाल के बहकावे में आ जाएंगे पैसे के, कि कहीं ना कहीं कोई पैरवी करें या कुछ ऐसा करें। पहली चीज यही कहूंगा कि एसटीजी न्यूज चैनल पर आप भरोसा रखिए, हमेशा आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा, आपको किसी भी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस चैनल को फॉलो करें और अपने फ्रेंड तक इस बातों को पहुंचाइए। हम ये भी बताएंगे कि 2 अगस्त को जो फॉर्म अप्लाई होगा उसका प्रक्रिया क्या होगा, कैसे भर सकते हैं। हम ये भी बताएंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर क्या चल रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी रखिए। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, सिर्फ एंड सिर्फ एसटीजी न्यूज चैनल पर आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इस चैनल को आप देखिए। हम आपको कह रहे हैं कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। सारे जीएनएम इस बात को जानती हैं कि वही एसटीजी न्यूज चैनल था जो 2020 में हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाया था, नियमित नौकरी दिलवाने का काम किया था। आज वही चीजें फिर आप हम एएनएम के लिए करने जा रहे हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके रिकॉर्डिंग में हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जैसा कि आप हमको फॉर्म दिखा रहे हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये आपको एएनएम की बहाली 2 अगस्त से यानी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अगर आज जाकर इसको देखेंगी तो आज इसको नहीं पता चलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी चीज किसी के बहकावे में ना आए। तो आज की न्यूज में यही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।